छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जयराम मानस भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और फेंसिंग संघ के कोषाध्यक्ष बशीर खान समेत अन्य पदाधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी के साथ मेडल देकर सम्मानित किया। इस चैंपियनशिप के बॉयज स्पर्धा में हरियाणा और गर्ल्स में कर्नाटक प्रथम स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जयनम मानस भवन में किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और फेंसिंग संघ के कोषाध्यक्ष बशीर खान यहां पर विशेष रूप से शामिल रहे। गौरतलब है कि 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह राजधानी रायपुर में किया गया। प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के बॉयज स्पर्धा में हरियाणा और गर्ल्स में कर्नाटक का प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अंडर 14 बॉयज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान में मणिपुर, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान में पंजाब और साथ ही पाँचवें नंबर पर दिल्ली के तलवारबाज रहे। इसके साथ ही गर्ल्स स्पर्धा में दूसरे स्थान पर मणिपुर, तीसरे स्थान में हरियाणा और चौथे स्थान में महाराष्ट्र, पांचवें स्थान तमिलनाडु की टीम रही। फाइनल मैच देखने के बाद छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने सभी विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैच का समापन आज हुआ है। समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ये आयोजन कराए जाने की बातें उन्होंने कही। इस तरह की स्पर्धा से आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चयनित होंगे और उन्हें मंच भी मिलेगा। 23 अंडर 14 जूनियर ऑल इंडिया फेंसिंग कॉम्पिटिशन के समापन अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को शरीक होना था, किंतु कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। उनके आशीर्वाद से और उनके प्रयास से ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमने संपादित किया है। राजीव मेहता जी जो कि इसके सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, वे विशेष रूप से इस आयोजन में उपस्थित हुए थे। इस आयोजन को संपूर्ण करने में अजीत पटेल जी, बशीर अहमद खान और उनकी पूरी टीम ने तन मन धन लगाकर बाहर से आए खिलाड़ियों को बहुत स्वागत सत्कार किया है। इस अवसर पर मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगे इस तरह के आयोजन होने से छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाएंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। उसी में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, अंडर 14 जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आयोजन किया। निश्चित रूप से एक उपलब्धि का विषय है और ओलंपिक संघ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बच्चों के अंदर भी पूरे देश के अंदर में जो उत्साह छत्तीसगढ़ के प्रति बना है, निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। और छत्तीसगढ़ का के अंतिम पंक्ति तक ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट स्थान मिल सके, उन लोगों का को खेल में बढ़ावा मिल सके। हमारा प्लान ये है कि रायपुर में एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाए और साथ में अभी 2023 में हम साउथ एशियन चैम्पियनशिप कर रहे हैं मेन एंड वुमेन की, तो ये अगर अक्टूबर नवंबर में करेंगे हम। इसके अलावा 2024 में भी कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप मिला है, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम यहाँ टूर्नामेंट लाएँ। ये जो बच्चे इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो आने वाले वक्त में ये 2024-28 की तैयारी चल रही है, इसके बच्चे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए साई से दो अधिकारी आए, बच्चे सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग में चालू कर देंगे। बहरहाल विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।